नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूही सिंह। हेमंत सोरेन ने कहा, लेह लद्दाख में फंसे संथाल के 208 श्रमिक होंगे एयरलिफ्ट। फ्लाइट से मजदूरों को लाने में झारखंड अव्वल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लेह स्थित नुब्रा घाटी, चुनित घाटी, विजयक एवं हिमांग परियोजना कार्य में लगे संथाल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों के इस समूह को दो चरण में वापस अपने घर लाया जाएगा। राज्य सरकार लेह से श्रमिकों के दूसरे और तीसरे समूह को क्रमशः सोमवार सुबह 10 बजे एवं मंगलवार शाम 7:40 बजे एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 115 श्रमिक सोमवार एवं मंगलवार को तथा शुक्रवार और शनिवार को 93 श्रमिकों को एयरलिफ्ट करने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास से इससे पूर्व 60 श्रमिकों के समूह को लेह से एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया जा चुका है। इस तरह लेह में फंसे करीब 268 श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर सरकार वापस लाने में सफल होगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को वापस लाने में सहयोग के लिए स्थानीय DIY आयुक्त लद्दाख, BRO के अधिकारी, स्पाइस जेड, इंडिगो और एयर एशिया उद्योग घरानों और कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठन को धन्यवाद दिया है, जिनके सामूहिक प्रयास से श्रमिक सुदूरवर्ती क्षेत्र से वापस अपने घर लौटने की उम्मीद को साकार होता देख रहे हैं। 4 जून को भी 180 प्रवासियों को लाया गया था रांची। लेह में फंसे 208 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल फ्लाइट सोमवार को सुबह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह छठा मौका होगा जब झारखंड के प्रवासी मजदूर फ्लाइट से लाए जा रहे हैं। इससे पहले लेह से 60, अंडमान से 360 और मुंबई से 360 प्रवासियों को फ्लाइट से झारखंड लाया जा चुका है। 4 जून को एक फ्लाइट अंडमान से 180 प्रवासियों को लेकर रांची पहुंची थी। मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर इस संबंध में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लेह लद्दाख के दूरस्थ इलाकों में फंसे प्रवासी श्रमिक सोमवार को फ्लाइट से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सभी दुमका के रहने वाले हैं। CM के अपील के बाद मजदूरों को वापस लाने के अभियान में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियां और संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।